माय चैनल धरतीस रेसिपी। फ्रेंड्स, ठंडियों की शुरुआत हो गई है और अगर ठंडियों में गर्मा गर्म मसालेदार चाय मिल जाए और उस पे भी तंदूरी चाय हो तो पीने का बहुत ही मज़ा आता है। गर्मा गर्म ड्रिंक्स, उसमें भी तंदूरी चाय, तो आज हम बनाते हैं घर पे तंदूरी चाय। तंदूरी चाय बनाने के लिए सबसे पहले हमें लगेगा कुल्हड़, मिट्टी का कुल्हड़ है। कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास मिट्टी का कोड़िया है तो भी यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर हार्ड पत्थर है तो भी आप इसे गर्म करके इसे हम तंदूरी इफ़ेक्ट देंगे। तो सबसे पहले हमें मिट्टी के कुल्हड़ को साफ़ करना है और साफ़ करने के बाद इसे हम गर्म रखेंगे। उसके साथ लगेगा चाय के लिए सामान, जो लगता है वो दूध है, आधा कप दूध है, उसे आधा पानी है, 1 इंच जितना अदरक का टुकड़ा लिया है, लौंग है 4, 3-4 इलायची है, और शुगर और चाय पत्ती। तो रेडी करते हैं हम तंदूरी चाय। सबसे पहले हम मिट्टी का जो भी हमारा बर्तन है उसे हम गर्म रखेंगे। मिट्टी का कोई भी बर्तन होगा वो चलेगा, लेकिन चीनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, लाल मिट्टी वाला ही बर्तन यूज़ करेंगे हम। इसे हम एक साइड गर्म रखेंगे और एक साइड हम बनाएंगे चाय। स्लो आंच पे हम पहले पानी ऐड करेंगे और उसके बाद हम फ्रेश मसाला जो है वो कूट लेंगे। सबसे पहले हम इलायची और लौंग को कूट लेंगे थोड़ा थोड़ा। इसे हम ऐड करेंगे पानी में और उसके बाद फ्रेश कूटेंगे जिंजर को। अदरक को भी हम ऐसे ही कूट लेते हैं। अदरक को भी हमने कूट लिया है तो इसे भी हम ऐड करेंगे पानी में। और थोड़ा उबलने देंगे, उसके बाद ऐड करेंगे चाय पत्ती। जब तक हमारा पानी उबलता है हम कुल्हड़ की साइड चेंज कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा घुमाते जाएंगे ताकि हर एक साइड से वो अच्छे से गर्म होने लगे। पानी उबलने लगा है, उसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चाय पत्ती। 1 टेबलस्पून जितना चाय पत्ती हम ऐड करेंगे। इतनी क्वांटिटी में हमारा ये एक बड़ा कप चाय रेडी होगा, तो आपको यही मेजरमेंट से हम चाय का प्रपोर्शन कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा कप दूध, उससे आधा पानी और बाकी का चाय पत्ती 1 कप, 1 टेबलस्पून चाय पत्ती और 1.5 टेबलस्पून जितना शुगर, प्रपोर्शन हमें इतना ही रखना है। तो जैसे ही पानी में अच्छा रंग आ जाए, कलर आ जाए, हम ऐड करेंगे दूध और दूध को फिर अच्छे से उबाल देंगे। जैसे ही एक उबाल आए हम गैस को स्लो करके धीमी आंच पे इसे अराउंड 1 मिनट के लिए उबालेंगे और उसके बाद गैस को टर्न ऑफ करेंगे। उससे पहले हम ऐड कर देते हैं शुगर और बस 1 मिनट उबलने देना है, हमारी चाय जो है वो रेडी है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लाल लाल मतलब हीट हुआ दिखाई दे रहा है, पूरा जो मिट्टी का कुल्हड़ है वो एकदम ही गर्म हो गया है और एकदम ही लाल, जैसे भट्टी में से निकाला हुआ है वैसे ही कोयले की तरह तप गया है। तो बस हमें ऐसा ही कुल्हड़ रेडी चाहिए तंदूरी चाय के लिए। हम अभी चाय को तंदूरी इफ़ेक्ट देंगे। चाय को उबलने के बाद बस इसे हम छान लेंगे
नॉर्मली अगर आप चाय पहले से बना के रखते हैं तो भी हम उसके बाद तंदूरी इफेक्ट देंगे, तभी आपकी चाय जो है वो गर्म होगी ही, तो प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको चाय पहले से बना के रखनी है। अगर दोनों ही चीज़ साथ में करना चाहते हैं तो भी इसके अंदर अच्छे से इफेक्ट आएगी। अभी हमें तंदूरी इफेक्ट देनी है तो इसके लिए हमें बड़ा सा टोप लगेगा और उसके अंदर रखेंगे हम ये गर्मा गर्म कुल्लर। आपके जो भी गर्म मिट्टी का बर्तन किया है वही बर्तन हम उसके अंदर रखेंगे और उसके बाद हम ऐड करेंगे धीरे धीरे चाय। जैसे ही चाय गर्म कुल्हड़ में आएगी तो एकदम ही उबल के वॉल्केनो इफेक्ट देती है और ये उबली हुई तंदूरी चाय बहुत ही मज़ा आता है पीने का फ्रेंड्स, और एकदम ही टेस्टी, एकदम ही बर्निंग इफेक्ट मिल जाती है चाय को। आप देख सकते हैं अभी भी ये उबल के बाहर आ रही है। बस जैसे ही थोड़ा ठंडा हो, चाय जो है वो उबलनी कम हो जाए तो इसे हम निकाल लेंगे और फिर ये चाय को सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स एकदम ही गर्मा गर्म तंदूरी इफेक्ट के साथ रेडी हो गई है मसालेदार चाय। ठंडी के सीजन में सुबह शाम ये चाय पीजिए और आपकी सेहत को एकदम ही अच्छा रखिए। देखते रहिए मेरा चैनल 30 रेसिपी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही मेरे वीडियो अब तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। थैंक यू। लेकिन फ्रेंड्स कमेंट में शेयर जरूर कीजिएगा आपके एक्सपीरियंस, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है।